सब्सक्राइब कीजिए डीके फाइनेंस नॉलेज चैनल को और बगल की घंटी को भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल डीके फाइनेंस नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल अपडेट्स के बारे में। मोबाइल अपडेट्स करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और मोबाइल अपडेट्स की अगर जानकारी अगर कुछ आप चाहते हैं और भी कि मोबाइल अपडेट कैसे आता है, मोबाइल अपडेट कैसे पता करें कि हमारे मोबाइल में अपडेट आया है, तो आप वीडियो के ऊपर में आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके ऐसे कई वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल अपडेट्स के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने पर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो सभी करते हैं, आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, सभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं लेकिन उसके मेंटेनेंस पे कभी ध्यान नहीं देते। अगर मैं आपको बताऊं बाइक की बात करते हैं तो बाइक को अगर बात करें तो बाइक को सभी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 जिस बाइक की जितनी कैपेसिटी होती है उसको ध्यान से आप उसको सर्विसिंग कराते हैं, उसके ऑयल चेंज कराते हैं ताकि वो हमेशा सही रहेगा। अगर उसको टाइम से आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आपका बाइक ख़राब हो जाएगा, ईंधन से धुआं देने लगेगा, तो इस पर तो आप ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मोबाइल को भी सर्विस की ज़रूरत है, हमारे मोबाइल को भी सर्विसिंग की ज़रूरत है? दोस्तों, आप मोबाइल यूज़ करते करते मोबाइल पर कभी ध्यान नहीं देते, उसके सर्विस पर ध्यान नहीं देते। आप कहते हैं अचानक से, भाई मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, मेरे ऐप्स नहीं खुल रहे हैं, मेरा मोबाइल हीट हो रहा है, मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है, और आप कंपनियों को दोष देने लगते हैं कि ये मोबाइल घटिया है, कुछ दिन हुआ नहीं कि आप पुराना हो जाता है। दोस्तों, अगर इसी के अगर तुलना में हम बाइक को देखें तो बाइक को ले कम से कम नहीं तो 5 साल 6 साल आदमी चलाता है, आराम से चलाता है, मेंटेनेंस करके चलाता है। तो मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा साल भर 1.5 साल, कई लोग ऐसे होते हैं कि 1.5 डेढ़ साल में जैसे ही नए फ़ोन आए उसको बदल दे दे, कहते हैं भाई ये वर्जन पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, और उसके मेंटेनेंस में ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि देखा जाए तो आज के डेट में मोबाइल की प्राइस भी बाइक लगभग कहें तो बाइक के बराबर भी, उससे ज़्यादा के रेट से भी मोबाइल फ़ोन भी बिक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप 50,000 की कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर 50,000 का आप कोई मोबाइल खरीदता है तो उतना उसका मेंटेनेंस में ध्यान नहीं देगी। हालांकि बॉडी वर्क कवर वगैरह वगैरह में आपको ध्यान देंगे लेकिन उसके जो सर्विस पर ध्यान नहीं देते मोबाइल के, और आप मोबाइल को दोष देते हैं। इसका मेन कारण है दोस्तों मोबाइल को अपडेट करना। अगर आप टाइम टू टाइम मोबाइल को अपडेट करेंगे तो आपका मोबाइल भी हमेशा सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से चलेगा, आपको हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मोबाइल हैंग प्रॉब्लम भी आपका कम होगा, रैम वगैरह भी बढ़िया चलेगा मोबाइल का, ठीक है दोस्तों। तो आप इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते हैं दोस्तों कि हमारे अपने मोबाइल को भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे आप कहते हैं एंड्रॉयड का वर्ज़न था, तो एंड्रॉयड के वर्ज़न बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट एंड्रॉयड देता रहता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड उसको एंड्रॉयड नए वर्जन के लिए सभी मोबाइल में उसका अपडेट आता है, और आप क्या करते हैं कि आप उन अपडेट को इग्नोर कर देते हैं। आप देखते हैं अरे ये तो 300 MB का है, 400 MB, 500 MB का है, और आप डाटा खर्च के चक्कर में उस जो अपडेट आया होता है आपके मोबाइल में उसको आप क्या करते हैं कि उसको आप इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अगर मोबाइल अपडेट आता है तो आपको उसे तुरंत अपडेट करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप जैसे ही अपडेट करेंगे आप अपने मोबाइल को, अपने जो है सॉफ्टवेयर को, तो उसमें क्या है नए नए फीचर्स कंपनी देती रहती है, कंपनी हमेशा इसे अपग्रेड करते रहते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, एंड्रॉयड उसमें अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या और भी कोई iOS का यूज़ कर रहे हैं या एप्पल यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें टाइम टू टाइम सभी कंपनियां उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको अपडेट देती रहती हैं, जो कि इंटरनेट द्वारा आप उसे अपडेट कर सकते हैं और आपके
मोबाइल में उसका अपडेट का नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि वो मोबाइल अपडेट का ऑप्शन कैसे आता है, तो जैसा कि मैंने वीडियो शुरू में बताया, आप आई बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि उसको आप कैसे करते हैं। दोस्तों अपडेट करने से नए नए मोबाइल में फ़ीचर ऐड होते हैं, नए नए कैमरे की क्वालिटी में चेंजेस हो जाते हैं, उसके फीचर्स में क्वालिटी के चेंजेस हो जाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के जो है ऐप्स की क्वालिटी में बदलाव किए जाते हैं, उनके फ़ीचर्स में बदलाव किए जाते हैं। जब आप अपने एंड्रॉयड को चेंज करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि मैं अभी इस फ़ोन की बात बताऊं तो मैं अभी J76 यूज कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप अगर इसके ऐप्स को मैं अभी आप देख अगर आपको बताऊं अपने इस मोबाइल के ऐप्स के बारे में दोस्तों, तो ये अभी नए वर्जन का जो ऐप्स है उसी की तरह इसमें है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने मोबाइल को अपडेट करता रहता हूँ। इसके फीचर्स भी नए नए हैं, भले ही मेरा मोबाइल अभी पुराना हो गया है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो अभी नए के तुलना में ही है दोस्तों। तो इसका मेन कारण ये है कि मैं इसे अपडेट करता हूँ, इसके कारण ये हीट भी नहीं होता, हीट कम होता है, और जो है इसके फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे, फास्ट काम करते हैं, मोबाइल हैंग बहुत कम होता है, बैटरी अच्छे तरीके से काम करती है। तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, आपको जब भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपका अपडेट आता है तो उसे आप तुरंत कर दीजिए। साथ ही और आप अपने प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर के जितने ऐप्स हैं उनको भी आप अपडेट कर दीजिए दोस्तों टाइम टू टाइम। इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आप बहुत दिन तक अपने प्ले स्टोर के ऐप्स को अपने मोबाइल के ऐप्स को अपडेट नहीं करते हैं तो उनमें काफ़ी दिनों में मोबाइल जो है आपका स्लो काम करने लगेगा, हैंग होने लगता है, बैटरी का जो आप परसेंटेज देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अचानक से कम हो जाएगा, और मोबाइल हीट भी होने लगता है दोस्तों। और जो ऐप्स को आप अपडेट करेंगे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कंपनी बदलाव करती है, और उनमें अपडेट में तो उनके फीचर्स में है जो है कि काफ़ी चेंज होते हैं सभी ऐप्स के। अगर उन ऐप्स को आप करेंगे, अगर WhatsApp की बात करूँ तो WhatsApp में पहले काफ़ी कुछ अलग फीचर्स था, लेकिन अब उसमें कुछ अलग फीचर्स, काफ़ी फीचर्स जोड़े गए हैं। तो ये सब होता है दोस्तों, आप जब अपडेट करेंगे तभी वो चेंजेस होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने से क्या होता है दोस्तों कि वो एक प्रकार से आपके मोबाइल की सर्विसिंग हो जाती है, सर्विस हो जाती है, जो कि उसे कंपनी द्वारा टाइम टू टाइम दिया जाता है। और जिन मोबाइल काफ़ी सभी मोबाइल का अपडेट का डेट भी होता है दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान रखिए, कुछ साल तक उनका डेट होता है, कितने साल तक इसमें अपडेट आएगा, उसके बाद क्या है उसमें अपडेट आना बंद हो जाता है। तो आप उन मोबाइल को क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें बेच भी सकते हैं, दूसरा मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन जब तक अपडेट आता है उसको आप बड़े अच्छे से अपडेट कर करके उसका यूज आप बड़े अच्छे से उस मोबाइल को चला सकते हैं। और कई लोग कहते हैं दोस्तों कि चलो मेरे व्यूअर्स ने जो कि पूछा है कि भाई उसका मोबाइल अपडेट करने से मोबाइल ख़राब तो नहीं होता, कुछ डाटा लॉस नहीं होता, डाटा तो नहीं कट जाता हमारे मोबाइल का, ज़रूरी चीज़ें जो हमारी होती है वो तो लॉस नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप क्या है बेफिक्र होके कभी भी अपने मोबाइल को अपडेट कर दीजिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह आपको परेशानी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि मेमोरी फुल हो जाती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अपडेट तो आपको ज़रूरी करना ही करना है। अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तो आप जिप्पे टाइप का यूज़ कर सकते हैं, और आप ये अनइंस्टॉल सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल करके अपडेट करके फिर उन ऐप्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एक सैमसंग का J2 है जिसमें अपडेट आना बंद हो गया, काफ़ी लोगों ने पूछा भाई ये मोबाइल बहुत हैंग होता है, तो हैंग उसी कारण होता है कि दोस्तों कि उसका अब अपडेट का जो डेट है उसका वो ख़त्म हो चुका है, तो उसमें अब अपडेट नहीं आएगा। जो भी सैमसंग का J2 यूज कर रहे हैं उसमें अब अपडेट नहीं आएगा, तो मोबाइल आप क्या कर दीजिए, आप अगर यूज़ करना है तो करिए, नहीं तो उसे मेरे ख्याल से तो आप उसे बेच दीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको जो मोबाइल अपडेट से भरी क्वेश्चन होगी वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई टेक्निक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।